दिल्ली अनलॉक 5 हो चुका है, लेकिन दिल्ली में हालात आप देखिए कि कितनी लंबी लंबी लाइनें मेट्रो स्टेशन के बाहर लग रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर हैं। ये मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीर आप देखिए कि लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इस वक्त जो एंट्री है वो बंद है क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। इसकी वजह से बीच बीच में मेट्रो जो है वो एंट्री बंद कर देती है। इस वक्त देखिए एंट्री को बंद कर दिया गया है क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। इतनी लंबी लंबी लाइनों के पीछे एकमात्र वजह ये है कि जो एंट्री गेट्स हैं वो सिर्फ एक खोला गया है, जबकि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ऐसे में ज़रूरी है कि एंट्री गेट्स बढ़ाए जाएँ जिससे कि लोगों को परेशानी ना आए। कितनी देर से खड़े हुए हैं आप लोग? आधा घंटा हो गया मैम। कितनी दिक्कत आ रही है? ये रोज़ का जो है लाइंस में खड़ा होना पड़ता है और मेट्रो में सफ़र करने के लिए जूझना पड़ता है। मैम बहुत दिक्कत आ रही है, एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, नहीं तो हमें तो दो दो घंटे लग जाते हैं। कल मुझे एक घंटा लग गया, मैं करोलबाग मेट्रो खड़ा रहा, मेरी एंट्री नहीं हो पाई करोलबाग मेट्रो पर। ऐसे ही हाल यहाँ पर है, बहुत प्रॉब्लम है। देखिए कि आधे घंटे से खड़े हैं। सर कितनी दिक्कत आ रही है यहाँ पे? रोज़ाना यही लाइंस दिखती है? रोज़ाना मैम यही लाइन लगती, किसी भी स्टेशन पे जाओ आदमी को एक घंटे खड़े होना पड़ता है। कोई आज इमरजेंसी में भी है, मेरा पेशेंट भर्ती है हॉस्पिटल एम्स में, तब भी मुझे जाने के लिए नहीं मिलता। पेशेंट अब अगर मर जाए कुछ कर जाए कोई नहीं ले, यहाँ लाइन में लगो पहले। मेट्रो एकमात्र साधन दिखता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देखिए कितनी कम है और जो है उसका हाल देखिए। सर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है? कितनी दिक्कत हो रही है? मैम आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है। देखिए गर्मी है और ऊपर से इतनी लंबी लाइन लगी है, ऐसे में लोगों को दिक्कत होना लाजमी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि एंट्री गेट जो है वो मेट्रो के केवल एक खोले गए हैं, जिसकी वजह से सारा क्राउड जो है यहीं से मैनेज किया जा रहा है। अब देखिए आप एंट्री जो है वो शुरू हुई है, ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यानी आधा आधा एक एक घंटा लोगों को रोज़ाना मेट्रो की लाइंस में लगना पड़ रहा है और इस वक्त जो दिल्ली मेट्रो है वो 10 से 15% कैपेसिटी कैरी कर रही है लोगों की। 5100 ट्रिप्स जो हैं मेट्रो के वो डेली चल रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसे में भारी दिक्कत आ रही है। ये बताइए मैम कितनी दिक्कत होती है? काफ़ी दिक्कत होती है, कितनी देर अगर जल्दी जाना हो तो कितनी देर खड़े रहो, प्रॉब्लम तो होती आगे से। महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तमाम लोगों को ऑफिस जाने की जल्दी है और ऐसे में मेट्रो की लंबी लंबी लाइंस लोगों को परेशान कर रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो तो करना है, लेकिन लंबी लंबी लाइनों से दो चार होना भी लोगों की अब सरदर्दी बनता जा रहा है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।